तो एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली से हैदराबाद, ठीक है। तो मुझे यहाँ से सबसे पहले मेट्रो स्टेशन जाना है, फिर मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है दिल्ली का, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना है कहाँ के लिए, हैदराबाद के लिए। तो चलिए स्टेशन के पास, तो मेट्रो स्टेशन के पास मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी अमेजिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं रास्ते का भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करो यार, ठीक है। तो देखो ये मेट्रो गया, अभी मेरा मेट्रो आने बाकी है यहाँ से राजीव चौक के लिए। तो दोस्तों हमने मेट्रो पकड़ लिया है, ठीक है। यहाँ से मैं राजीव चौक जाऊँगा, वहाँ से मुझे न्यू दिल्ली के लिए फिर मेट्रो पकड़ना पड़ेगा। यानी कि रास्ते में एक बार और मैं उतरूँगा मेट्रो स्टेशन पे, फिर वहाँ से दूसरा मेट्रो पकड़ूँगा, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ से हम जाएँगे कहाँ, हैदराबाद के लिए। तो ये दिल्ली का नज़ारा देख लो, यहाँ पर 4 लाइन का रोड भी बना हुआ है, बहुत बड़ा रोड है ये, ठीक है। और वीडियो में देख भी सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, तो मैं सोचा कि थोड़ा दिल्ली का घर वगैरह दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो देख सकते हो ये हमारे देश की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से चलते हैं हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। तो यहाँ से दोस्तों मैं मेट्रो चेंज कर लिया हूँ, दूसरी मेट्रो पकड़ के दोस्तों हम नई दिल्ली आ चुके हैं। नई दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम दोस्तों दिखा रहे हैं आप सभी को कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है वो 5A, उस पर जाएंगे, फिर वहाँ से हम तेलंगाना एक्सप्रेस पकड़ेंगे, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसलिए दोस्तों तेलंगाना एक्सप्रेस से हम जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हमारा ट्रेन आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है क्योंकि ट्रेन 2 घंटा लेट हो चुका है। 2 घंटा लेट होने के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है ट्रेन। और ये भाई मस्ती कर रहे हैं, इनको पता है हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा ट्रेन आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन हमारा तेलंगाना एक्सप्रेस 2 घंटा इंतजार करने के बाद, 4 बजे का ट्रेन था लेकिन ये ट्रेन 6 बजे नई दिल्ली से जाने वाली है। तो ट्रेन आ गया, चलिए हम अपने सीट वगैरह पे बैठ जाएंगे। फिर आपको रास्ते का नज़ारा दिखाऊंगा, जो कि राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ये तेलंगाना का हैदराबाद जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा जो सीट है वो S1 में है, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे सब ट्रेन में जा चुका है, अब मेरे को भी जाना है यहाँ से। तो दोस्तों हम ट्रेन में आ चुके हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो वीडियो में, लोग यहाँ पे बंद करके बैठा हुआ है, अंकल जी ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी तगड़ा भीड़ हो रखा है ट्रेन में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन, इस यहाँ पे भीड़ क्यों है मालूम है आप सभी को, इसके बगल में जनरल डब्बा है, S1 के बगल में जनरल डब्बा है, वहाँ का लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मध्य प्रदेश का ये जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, अभी मैं आप सभी को दिखाने वाला। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से ये बताऊंगा कि अगर आप स्लीपर लेते हो ना, स्लीपर में अपना टिकट लेते हो ना, कंफर्म टिकट, तो भी दोस्तों क्या होता है ना कि वेटिंग लिस्ट वाले को अपना टिकट देना, मतलब अपना सीट देना पड़ जाता है, ठीक है, जिससे मेरे को गुस्सा भी आता है, बट क्या कर देना पड़ता है यार। तो देखे दोस्तों यहाँ पे ये रिवर जा रहा है, और अभी ये रिवर थोड़ा थोड़ा खाली भी है, और ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रहा है, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पत्थर वगैरह है। अभी इसका जंगल आने वाला है बहुत बड़ा बड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में जंगल मौजूद है, ठीक है दोस्तों। और देखो ये यार मेरा ट्रेन में कम से कम मैं 12 घंटे से हूँ, ठीक है, और सुबह हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ट्रेन चल रही है अपने रास्ते की तरफ। यहाँ पे देखो दोस्तों पेड़, मतलब कि यहाँ पे सरसों का खेत और भी बहुत कुछ है यार, खेत में बहुत कुछ उगा रखा है किसान लोगों ने। और इधर ठंडी है अभी, तो ठंडी दोस्तों कहाँ तक रहेगा पता है, झांसी तक ठंडी रहेगा, उसके बाद दोस्तों नागपुर वगैरह में थोड़ा कम ठंडी रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुछ कुछ ठंडी रहेगा, बाकी महाराष्ट्र में थोड़ा ठंडी कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए अंदर पास है, जो कि रेल के पटरी के नीचे से वो रोड जा रहा था। अब दोस्तों आने वाला मध्य प्रदेश का जंगल, देखो यहाँ पे कितना तगड़ा जंगल है, आप सोच सकते हो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से बड़े बड़े पेड़ पौधा, और सामने देखो पहाड़ है, पहाड़ों पे ना मतलब जंगल बना हुआ है, देखो यहाँ पे कितना तगड़ा जंगल है ना। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हो कि मैं पूरा व्लॉग आप सभी के लिए शूट किया हूँ, ठीक है। तो जंगल देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे यार, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा देख करके काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था।
और सफ़र का एंजॉय ले रहे थे हम। लेकिन काफ़ी दूर था, यहाँ से न्यू दिल्ली से हैदराबाद ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा दूर था, 2 घंटा पहले ही लेट था ये ट्रेन, और रास्ते पे भी ये ट्रेन ना 7 घंटा लेट किया। ठीक है, तो जो ट्रेन मुझे पहुँचाना था 25 घंटे में उसने पहुँचाया मुझे 34 घंटे में मुझे पहुँचाया। ठीक है, तो 25 और 9 घंटा लेट। ठीक है, 7 घंटा रास्ते में, 2 घंटा स्टेशन पे, 9 घंटा लेट हो गया ट्रेन, मुझे 34 घंटे में हैदराबाद मुझे पहुँचना पड़ा। देखो यहाँ पे कोयला लेके जा रहा है ये मालगाड़ी। ठीक है दोस्तों, और लगभग हम दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना में आने ही वाले हैं, और तेलंगाना में दोस्तों पहली बार मैं आने वाला हूँ। इंडिया का एक नया स्टेट बना है हाल ही फिलहाल में 2014 में। टीटी आया यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए कि देखो यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं ये। और यहाँ पे देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों को नींद वगैरह आ रहा है, पर अब हैदराबाद आने वाला है। दोस्तों देखिए ये हैदराबाद आ चुका है, ये पहला झलक मैं आप लोगों को हैदराबाद का दिखाया हूँ। और ये हैदराबाद का जो सिकंदराबाद है ना वो स्टेशन आया है, तो रास्ते में काफ़ी कुछ खाली हो जाएगा अब। तो देखिए दोस्तों सिकंदराबाद में बहुत सारा लोग उतर चुका है सिकंदराबाद में, क्योंकि मेरे को हैदराबाद डेक्कन जाना है। ठीक है, तो हैदराबाद के अंदर में ही सिकंदराबाद होता है। ठीक है, तो हम भी उतर चुके हैं हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पे, जो कि नामपल्ली में मौजूद है। तो यहाँ पे हम उतर चुके हैं, अब यहाँ से हम अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे हम बाइक पे बैठ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए रात का समय है, मतलब मैं रात में पहुँचा हूँ यहाँ पे 12 बजे रात में। ठीक है, और 6 बजे सुबह में पहुँचा था, यानी टोटल 34 घंटे में घर पहुँच चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और इधर का देख सकते हो, फर्स्ट मैं हैदराबाद में इधर आया हूँ। यहाँ से देखो पूरा हैदराबाद है यहाँ पे, पूरा हैदराबाद तो नहीं, मगर मेरे वीडियो में जितना हैदराबाद आ रहा है वो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का हैदराबाद है। देखो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, काफ़ी अच्छा शहर लगा मुझे ये, थोड़ा सा नहीं मैं रहा हूँ यहाँ पे तो देखा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा। ठीक है, सुबह का मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। यहाँ पे देखो ऊँट वगैरह भी बहुत दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊँट पे आप सवारी कर सकते हो और यहाँ के लोग ऊँट वगैरह खाते भी हैं मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए।